दिवाली हिंदुओं के सबसे लोकप्रिय व महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। युवा आमतौर पर इस त्योहार को बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि यह सभी के लिए ढेर सारी खुशियां और आनंदमय क्षण लेकर आता है। वे अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं और अपने प्रियजनों के साथ बधाई और उपहार साझा करते हैं। अब जानते हैं दीपावली का अर्थ। तो दिवाली, जिसे हम दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, भारत और दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। दीपावली संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप प्लस आवली। दीप का अर्थ होता है दीपक और आवली का अर्थ होता है श्रृंखला, जिसका मतलब हुआ दीपों की श्रृंखला या दीपों की पंक्ति। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार दुनिया भर के लोगों द्वारा बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि इसे हिंदू त्यौहार माना जाता है, लेकिन विभिन्न समुदाय के लोग भी पटाखे और आतिशबाजी के जरिए इस उज्ज्वल त्यौहार को मनाते हैं। अब बात करते हैं दीपावली त्यौहार की तैयारी। तो दीपावली त्यौहार की तैयारी दिवाली से कई दिनों पहले से ही आरंभ हो जाती है। दीपावली के कई दिनों पहले से ही लोग अपने घरों की साफ सफाई व रंगाई पुताई करने में जुट जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो घर साफ सुथरे होते हैं, उन घरों में दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करके वहाँ सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करती हैं। दिवाली के नज़दीक आते ही लोग अपने घरों को दीपक और तरह तरह के लाइट से सजाना शुरू कर देते हैं। अब हम बात करते हैं दीपक का महत्व, यानी कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है इसका, तो आइए जानते हैं। तो पहला है, जाड़े की शुरुआत के समय अमावस्या की रात को दिए के चारों तरफ जलने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। तेल या मोमबत्ती के दीपक का प्रकाश हजार दिशाओं में फैलता है और अत्यंत सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाता है, जिससे हवा में मौजूद बैक्टीरिया को मारता है। साथ ही हवा में मौजूद हानिकारक गैसों को खत्म करता है, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो बरसात के खत्म होने के बाद हमारे आसपास कीड़े मकौड़ों की संख्या में बहुत भारी वृद्धि हो जाती है। अतः अमावस्या की रात के समय ये कीट पतंगे चारों ओर दीपक के प्रकाश को देखने और उसकी ओर आकर्षित होते हैं और मारे जाते हैं। इसमें वो कीट भी शामिल होते हैं जो हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद इनकी संख्या में कमी आ जाती है, जिससे हमारी फसलों को अधिक नुकसान होने से मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं इस त्यौहार का धार्मिक कारण। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन ही भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और उनके उत्साही भक्त हनुमान के साथ अयोध्या लौटे थे। अमावस्या की रात होने के कारण दिवाली के दिन काफ़ी अंधेरा होता है, जिस वजह से उस दिन पूरे अयोध्या को दीपों और फूलों से श्री रामचंद्र के लिए सजाया जाता था, ताकि भगवान राम की आगमन में कोई परेशानी ना हो। तब से लेकर आज तक इसे दीपों का त्यौहार और अंधेरे पर प्रकाश की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर बाजारों में भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी, राम जी आदि की मूर्तियां की खरीदारी की जाती है। बाजारों में खूब चहल पहल होती है। लोग इस अवसर पर नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयां आदि खरीदते हैं। हिंदुओं द्वारा देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि व्यापारी दिवाली के पर्व पर नई खाता बही की शुरुआत करते हैं। साथ ही लोगों का मानना है, यह खूबसूरत त्यौहार सभी के लिए धन समृद्धि और सफलता लाता है। लोग दिवाली के त्यौहार के दौरान अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ उपहारों का आदान प्रदान करने के लिए
तत्पर रहते हैं। अब हम बात करते हैं दीपावली से जुड़ी सामाजिक कुरीतियाँ। तो दिवाली जैसे धार्मिक महत्व वाले पर्व के पावन अवसर पर भी कुछ असामाजिक तत्व तो इन्हें निरंतर प्रयास, जैसे शराब का सेवन, जुआ खेलना, टोना टोटका करना और पटाखों के गलत इस्तेमाल से खराब करने में जुटे रहते हैं। अगर समाज में दिवाली के दिन इन कुरीतियों को दूर रखा जाए तो दिवाली का पर्व वास्तव में शुभ दीपावली हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके उपसंहार के बारे में। तो दीपावली स्वयं के अंदर के अंधकार को मिटाकर समूचे संसार को प्रकाशमय बनाने का त्यौहार है। बच्चे इस दिन अपनी इच्छा अनुसार बम यानी जो पटाखे होते हैं, फुलझड़ियाँ तथा अन्य पटाखे खरीदते हैं और आतिशबाजी का आनंद उठाते हैं। हमें इस बात का को समझना होगा कि दीपावली के त्यौहार का अर्थ दीप, प्रेम और सुख समृद्धि से है। ऐसे में पटाखों का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक और अपने बड़ों के सामने रहकर करना चाहिए। दिवाली का त्यौहार हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दीपावली का त्यौहार सांस्कृतिक और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। इस त्यौहार के कारण लोगों में आज भी सामाजिक एकता बनी हुई है। हिंदी साहित्यकार गोपाल दास नीरज ने भी कहा है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। इसीलिए दीपावली पर प्रेम और सौहार्द का को बढ़ावा देने के प्रयत्न करने चाहिए। आइए जानते हैं दीपावली के साथ मनाए जाने वाले और जो अन्य उत्सव होते हैं उनके बारे में। तो दीपावली का त्यौहार करीब 5 दिनों का होता है, जिसके पहले दिन धनतेरस होता है। धनतेरस के दिन लोग धातु की वस्तुएं जैसे सोना और चांदी के आभूषण खरीदकर अपने घर जरूर लेकर आते हैं। दीपावली का दूसरा दिन नरक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग इस दिन को छोटी दिवाली के रूप में भी मनाते हैं। दीपावली का तीसरा दिन, जो मतलब इसका तीसरा दिन होता है, दीपावली का त्यौहार मुख्य दिन होता है। इस दिन महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। दीपावली के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से हुई मूसलाधार वर्षा से लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। और अगले दिन दिवाली के त्यौहार के आखिरी दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरीके से दीपावली हमारे भारत में मनाया जाता है।